कुछ अरसा साल मेरा बंदा मेरे ना सही रहा है, गलत लोगों ना बैठदा सी। तो मैनू फिर कहंदा कि भी जिसम फरोशी तू भी कर। मैं सुतेली माँ को लाई तो उत्थे वेख्या तो मेरी माँ भी जिसम फरोशी का धंधा करवा रही सी। मसलन उहदे बच्चे भी जाया अक्सर होंदे। मैनू काफ़ी ज़्यादा रजिया ने जदों मारिया टी वी की आवाज़ उच्ची कर दिती सी, उन्हें गन ते मेरी इज्जत लुटी। और मैं जदों गली दे विच नंगी हालत बाहर गई तो कुछ लोगों ने मैनू देखा नहीं कि एक वालदा जिसका इतना बड़ा मुकाम है, इतना बड़ा मुकाम है भी पैसा सारा कुछ नहीं होता, इंसान की एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ऑनर है, उसको गलत कार्य के लिए मजबूर करना। वालदा का घर सेफ नहीं कर सका, अब वो इस दरिंदगी वाले माशरे से निकल के कहाँ जाए। मामला तो यूरोप के अंदर भी नहीं होता, वहाँ पे भी खवातीन का कोई प्रोटेक्शन है, कोई उनके राइट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया बलोच और आप देख रहे हैं डिजिटल पॉइंट। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ सना नामी लड़की मौजूद है। ये हवा की ऐसी बेटी है, बचपन में इसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है, इसके वालिद इसके लिए एक माँ लेके आते हैं, एक सौतेली माँ। इस स्टोरी के बाद यकीनन आप फील करेंगे, आपको पता चलेगा कि सौतेली माओं का नाम इतना बदनाम क्यों है। क्या वो वाकई में इतनी घटिया होती हैं? क्या वो इतनी वाहियात होती हैं और वो इतना गिर सकती हैं? क्यों कहा जाता है कि अपनी औलाद अपना खून अपना होता है? इसके साथ क्या करती हैं वो जानते हैं सना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना उम्र कितनी है आपकी? मेरी 30 साल। 30 साल की उम्र। सना शादी कब हुई है आपकी और आपके फादर की शादी कब? मैं जो मेरी अम्मी फोत हो गई सी ना उदो मेरे फादर ने शादी कर ली सी, तो मैं 5-6 साल दी सा। अच्छा। मैनू नहीं सी इन्ना पता। अच्छा, तो उन्हू माँ सुतेली नू लैके आए सी मेरी। अच्छा। फिर सुतेली माँ का बिहेवियर तेरे नाल किवें सी? अच्छा नहीं सी। सुतेली माँ का बिहेवियर अच्छा नहीं सी? नहीं अच्छा नहीं सी। फिर शादी कदों हुई है तेरी? शादी मैं आप उन्हां दी रजामंदी नाल अपनी रजामंदी नाल कीती सी। 8-10 साल हो गए ने मेरी शादी। 8-10 साल तू जदों तेरी शादी हुई तेरी उम्र किन्नी सी? उम्र का तो खैर मैं नहीं इन्ना अंदाजा है। अज तो कोई 5-6 साल पहले? हाँ जी 10 साल हो गए ना, 10-11 साल। हाँ जी 10 साल हो गए। अच्छा, तो शादी हुई है फिर की होया? कुछ अरसा साल मेरा बंदा मेरे ना सही रहा है, कुछ 4-5 साल मेरे ना बिल्कुल ठीक रहा है। अच्छा। तो 5-6 साल बाद वो नशे ते ला गया, यार सजना ने ला दिता उन्होंने, दोस्तों यार लफंगे लोग। हाँ जी लोगों के ना गलत लोगों ना बैठता से तो उन्होंने नशे ते ला दिता है। जब नशे ते ला दिता है तो मैनू कहंदा कि मैं लोगों के घर काम करनी सा। अच्छा। कोठियाँ तो मैनू फिर कहंदा कि भी जिसम फरोशी तू भी कर, मेरे तो नहीं इस तरह पूरी पैरी, मैं नहीं सी करना चाह रहा। शोहर कहंदे? हाँ जी मिजाजी खुदा। नाजरीन ये मिजाजी खुदा का रुतबा है शोहर का, और वो इसको कह रहा है कि मेरे नशे की वजह से तुम जिसम फरोशी का धंधा करो। हाँ जी। अच्छा। मैं नहीं सी करना चाह रही, तो मैं सुतेली माँ को मैं मारिया मियाँ ने बहुत ज़्यादा और मेरे जिसम के नील पाए ने, तो मैं जो घर आ गई हम सुतेली माँ को अपनी को सुतेली माँ को आई तो उत्थे वेख्या तो मेरी माँ भी जिसम फरोशी का धंधा करवा रही सी। बंदे बुढ़िया आँदे जाते काफ़ी लोग आना जाना लगा सी ओदा। हाँ जी तो मैं नहीं सी इन्ना गौर कर दी। तो एक दिन मैं छोटी कुड़ी नू पूछया उत्थे जिहड़ी उन्होंने वो बच्ची लैके पाली है, लोगों नू मेरा नाम दिता है, लोगों नू कहा जी ये सना दी कुड़ी है, सना दी कुड़ी, पर वो मेरी बच्ची नहीं। अच्छा जी। तेरी सौतेली माँ ने गोद लैके एक बच्ची पाली है, उन्होंने वो बच्ची नू नाम दिता है कि सना दी कुड़ी हैगी, बेटी हैगी। हाँ जी सना दी बेटी, पर वो मेरी बिल्कुल नहीं है, ना इत्थे किसी मेरे कागजा च ना। किस वजह तो लैके पाली? इस जिसम फरोशी के धंधे। उस बच्ची को जिसम फरोशी करवाने? हाँ जी। कितनी उम्र है उस बच्ची की? ओदी ज्यादा भी नहीं है, कोई यही 12-13-14 साल की बच्ची है, इन्नी ज़्यादा भी नहीं, मतलब 18 दी भी नहीं हो पूरी है, 18 दी भी पूरी नहीं होगी। ओदा मेडिकल करवान और ओदा देखन ते ओदा ओ नहीं, मसलन ओदे बच्चे भी जाया अक्सर होंदे। नाजरीन आप सोच सकते हैं कि 12 साल की 13 साल की 14 साल की बच्ची जिसको जिसम फरोशी के धंधे पर लगाया हुआ है और उसके बच्चे भी जो हैं वो ज़ाया करवाए जा रहे हैं, अबॉर्शन करवाया जा रहा है, उसका क्या ज़िंदगी है उस नन्नी करेगी। अच्छा फिर तुम्हें कैसे पता चला, क्या किया तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा कि तुम्हें आज जो है कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने? हाँ जी मैं जलील हो रही बहुत ज़्यादा, कोर्ट कचहरियाँ थाणिया के बच्चे मैं बहुत ज़्यादा जलील हो रही, मैं आवाज़ चुकी। की किया तेरी माँ ने तेरे? मैं जो सुतेली माँ को जो आके रह रही सा ना माँ को,
सुतेली माँ को। मैंने कह रही तू भी जिसम फरोशी कर, मैं नहीं सी करना चाह रही सुतेली माँ दे कोल, ना मेरा हो या कुछ जेन सी। वो एक आस उम्मीद लेके आई सी कि मेरी माँ हैगी, चलो सुतेली भी हैगी, मैनू बचाएगी, मेरे मियाँ नू समझाएगी कि मेरे नाल गलत काम ना करे ते मैनू ना फोर्स करे मैं गलत काम करा ओदे नशे दे लई। हाँ जी। ते अगे उन्हें भी तेनू यही कहा कि तू इत्थे आके गलत काम कर। हाँ जी। मैं नहीं उन पहले मैनू आराम तरीके ना समझाया, एक दो बारी मैं नहीं मनी, दो एक बारी तो दूसरी बारी उन्हें अख्तर हुसैन नू बुला लिया और अख्तर हुसैन ने मैनू मार के काफ़ी ज़्यादा नींद नूल मेरे जिसम ते बहुत। अख्तर हुसैन कौन है? मेरा मियाँ। तेरे मियाँ दा नाम अख्तर हुसैन है? तेरी सुतेली माँ दा नाम की है? ओ ओदे नाल रलिया, ओदे नाल ही मसन ओदी। तेरी सुतेली माँ दा नाम की है? नाम रज़िया। रज़िया तेरी माँ दा नाम है ते अख्तर हुसैन जेड़े तेरे शोहर दा नाम है? हाँ जी, मियाँ दा नाम। अच्छा, फिर उन्हें अख्तर हुसैन नू सदिया? फिर हाँ जी, अख्तर हुसैन नू सदिया ते ओनू कहंदी कि भी दो बंदे आ रहे ने तो उन्होंने लै बंदे मंगवा ले उन्होंने, जो मैं काफ़ी ज़्यादा रज़िया ने जो मारे और टी वी की आवाज़ उच्ची कर दी, मारते तशद्दुद करते हुए टी वी की आवाज़ उच्ची कर दी। हाँ जी, लोगों ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। टी वी की आवाज़ क्यों उच्ची की? कि भी आवाज़ बाहर ना जाए, तेरी चीखा की आवाज़ बाहर ना जाए। हाँ जी। किस चीज़ नाल तेनू मारिया? सोटी दे नाल, थप चंडा दे नाल, काफ़ी मैनू सब सोटियां सुन। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा निशान वगैरह पे। कितनी देर मारिया उन्होंने? काफ़ी देर उन्होंने मैंने मारे। फिर? पर मैं मैनू बंदे ने भी नाल मारे और रज़िया ने बहुत ही ज़्यादा मारे, दोनों ने मिलके मारिया कि तू गलत काम कर। हाँ जी। कि तू इस गल ते उन्हां दी गल ते नहीं आई, उन्हां दी गल पूरी नहीं की? नहीं की, दोनों दी नहीं मनी। तो बंदे उन्हें पहले मंगवाए सी, पहले वो बैठे सी तेरे इंतजार? हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ, ਕਸਟਮਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰ? ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ? ਉਮਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਤਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਵੋ ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲੈਕਰ ਆਈ ਥੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਝੇ ਬਚਾ ਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਹੀ ਮਾਂ ਦਰਿੰਦੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਕੋ ਮਾਰ ਪੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਇਸਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਮਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਦੱਸਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ? ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਟਨ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮਜ਼ੰਗ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਡੀਕਲ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਥਾਣੇ? ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਟਨ ਰੋਡ ਥਾਣੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੀਆ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਆਈ ਰਜ਼ੀਆ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ,
तो मैनू कहंदी इंज जिस्म फरोशी करना और ऐसे तरह धंधा करना, तो जे तू अदालत गई या थाणिया च गई तो तेरी नहीं सुनी जानी। अच्छा। फिर उतों मैं उहदे नाल बैठी हाँ रजिया दे नाल रक्षे च, तो दूसरा रक्षे दे विच मैं फिर दौड़ के भज के तो फिर मैं जिहड़ी बाजी कोल काम करनी सी ना उस बाजी दा जाके मैं मिन तल्ला कीता, उहनां नूं मैं कहा मैनूं मेरी मदद करो, उहनां नूं मैं सारी गल दसी, फिर उन्होंने मैनूं लॉयर देता और उन्होंने फिर मैनूं मेरा सहारा बने। अच्छा। फिर उन्होंने मेरी मदद की थी। ना तो कोई ऐसा सहारा है ना को कार जी। नाज़रीन, एक लड़की जिसकी वालदा बचपन में इंतकाल कर जाती है उसके लिए उसके उसका जो बाप है वो बड़े प्यार से एक माँ लाता है जिसको हम स्टेप मदर कहते हैं, सौतेली माँ। उसको क्या मालूम होता है कि वो मेरी बेटी से आगे जाके धंधा करवाएगी, मेरी बेटी को ज़बरदस्ती गैर मर्दों के सामने पेश करेगी। क्या आंसू उम्मीद लेकर आती है वो अपनी माँ के पास, वहाँ पर जो उसके साथ गुजरता है, लेकिन फिर ये जाती है पंजाब पुलिस कि वो इंसाफ करेंगे। इंसाफ मांगने जाती है, लेकिन जहाँ इंसाफ मांगने जाती है वहाँ पे चंद ऐसी भेड़ें, काली भेड़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं जो इसको थप्पड़ मारती है। सानिया नाम था ना? हाँ, सानिया। पूरा नाम क्या था? सानिया ही नाम है उसको, सानिया मुनीर कहते हैं। सानिया मुनीर वहाँ पे वो मौजूद होती हैं, वो इनकी जो सौतेली माँ है, उसकी सगी जो भांजी है, वो इसको थप्पड़ मारती है, अपनी मासी को कॉल करती है, खाला को, कि आओ इसको दोबारा से उस धंधे के लिए लेके जाओ, और इसको बोलती है कि अगर तुम वहाँ से भागी तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये इसकी कहानी है। इसको इंसाफ मैं नहीं दिला सकती, हमारे ये इदारे नहीं दिला सकते, क्योंकि सारे अंधे हो चुके हैं। इसको इंसाफ़ आप लोगों ने देना है, आप लोगों ने दिलाना है, इसकी आवाज़ बन के। इतनी कमज़ोर है, इसके पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए, इसके पास घर नहीं है रहने के लिए, किसके आसरे रहेगी, कौन इंसाफ दिलाएगा? लिहाजा मैं चाहती हूँ कि आप इसकी आवाज़ बने। चलते हैं हम इसके वकील से बात करते हैं और इस केस पर रोशनी डालते हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त चौधरी मसूद गुज्जर एडवोकेट मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, सना नामी लड़की का आपके पास केस आया है, जिसकी स्टेप मदर जो है वो उससे गलत काम करवाने के लिए मजबूर करती है, और गन पॉइंट पे बकायदा उसके साथ एक आदमी जो है वो गलत काम करता है, ज़्यादती करता है, उसका शोहर भी उसको जो है वो मजबूर करता है कि मेरे नशे के लिए तुम बाहर जिस्म फरोशी करके आओ और मेरा नशा पूरा हो, मुझे पैसे दो। इस केस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा अलमिया है और पूरी कौम को इस बात पे सोचना चाहिए कि आखिर हम किस माशरे के अंदर रह रहे हैं और हम किस साइड पे जा रहे हैं। यानी कि एक वालदा जिसका इतना बड़ा मुकाम है, इतना बड़ा मुकाम है कि जिसके बारे में कुरान और हदीस के मुताबिक उफ करने का भी इख्तियार नहीं है, तो जो पालती भी है, ज़ाहिर है छोटी थी, पाला होगा इसको, फिर बड़ा किया होगा, फिर बड़ा करने के बाद बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं। अब इनोसेंट बच्चों को इस गलतकारी की तरफ लगा देना सिर्फ़ और सिर्फ उसके पीछे क्या है? एक पैसा भी, पैसा सारा कुछ नहीं होता, इंसान की एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ऑनर है, और औरत, औरत का तो मुकाम ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा मुकाम है जिसके बारे में कुरान मजीद के अंदर पता नहीं कितनी दफ़ा इसके मुकाम को जो ना वो बयान किया गया है। अब औरत की एक इस्लामी मुल्क में रहते हुए इतनी बड़ी तजलील करनी कि उसको गलतकारी के लिए मजबूर करना, अगर किसी का दिल नहीं करता अभी मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है, एक हम इस्लामी माशरे के अंदर रह रहे हैं, अल्लाह मियाँ ने हमें समझ बूझ दे दी है, जब हमें अवेयरनेस आ गई हमने सोचा भी ये काम गलत है, ये काम ठीक है। अल्लाह पाक ने इस मकसद के लिए 1,24,999 अंबिया कराम इस वजह से भेजे कि लोगों को राय रास्त बताया जाए, गलत
और सही की निशानदेही करवाई जाए। अगर किसी बच्ची को रहते हुए कोई गलत काम का के बारे में पता चल गया ये गलत है और ये ठीक है, और माशरे में हमेशा उस बंदे की इज्जत होती है जो सही रास्ते पे चलता है, उसने लड़ाई की, उसने जहाद किया, अपने एक बेटे को छोड़ा जो उसके पहले अख्तर हुसैन खामन के पास था, उसको छोड़ने के बाद क्यों छोड़ा? इस वजह से छोड़ा कि वो इन मामला से, इस गुनाहकारी की वजह से उकता चुकी हुई थी। वो भी एक इंसानी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, एक अच्छा इंसान बन के गुजारना चाहती थी। वो वहाँ से निकली, उस घर के अंदर आई जिस घर का मुकाम बहुत बड़ा मुकाम था, वालदा के घर आई है। और वालदा कौन सी है? सुतेली होना या दूसरी होना, बाज़ औक़ात सुतेली इतनी कदर काम कर जाती हैं कि जो रियल मदर होती है उससे ज़्यादा मुकाम जो ना वो ले जाती हैं। अब वहाँ पर आके पता चला कि वहाँ पर आके ऑलरेडी एक धंधे वाला सिस्टम जो ना वो शुरू हुआ है। अब जिस लड़की को खावंद का घर सेव नहीं कर सका, वालदा का घर सेव नहीं कर सका, अब वो इस दरिंदगी वाले माशरे से निकल के कहाँ जाए? उसके साथ ज़बरदस्ती करवाई गई और ज़बरदस्ती लोगों को बुलाया गया, और बुलाने के बाद उसकी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं किया गया बल्कि तार तार करके पब्लिकली भी जो ना वो डीफेम कर दिया गया। अब पर्चा दर्ज करवाने के लिए वो थाने गई, थाने वालों ने पर्चा नहीं दर्ज किया बल्कि उसकी भांजी वहाँ पे मौजूद थी उस खतून की, रज़िया की, उसने बल्कि उसको इलीगली डिटेन कर दिया उस सवालात के अंदर। अब इतने ज़्यादा थाने के अंदर एक कांस्टेबल बाख्तियार हो जाए तो उसके पीछे तो कोई कुछ रह नहीं जाता। इट्स मीन कि इस धंधे के अंदर उतनी देर तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता जितनी देर मुकामी पुलिस उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। उसका रिजल्ट भी यही था, पर्चा दर्ज थाने वाले नहीं करते। उसके बाद वो किसी वकील के थ्रू उसको इंगेज करके वज़ीरे अदालत पहले मेडिकल करवाती है, मेडिकल करवाने के बाद फिर किसी मीडिया एंकर के ज़रिए उसका, जिस तरह जनाब ने ये बहुत बड़ा स्टेप जो ना उठाया है, इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद फौरी तौर पर एजेंसी हरकत में आई, उसकी FIR लॉज होगी। अब थाने वालों ने यह देखा, आबद हुसैन ASI साहब ने, जिसके पास इस मुकदमे की तफ्तीश थी, जेंडर सेल में वो बंदा तैनात है रेसकोर खवातीन थाने के अंदर, कि इस खतून के तो आगे पीछे कर बोलने वाला कोई नहीं है, इसके साथ चलने वाला कोई नहीं है। उस आदमी ने इतनी दीदा दलेरी के साथ जो इस रिकॉर्ड के अंदर एविडेंस अवेलेबल थी, एविडेंस कौन सी थी? उसके फटे हुए कपड़े थे, जो पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी वो होती है, उसको कब्ज़ा पुलिस में लिया जाता है और उसकी फ़र्द मकबूजगी बनाई जाती है और एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। उस बंदे ने अपने इख्तियार से तजावज़ करके उसी रज़िया बीबी से साथ बात करके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस जुर्म से बचाने के लिए उस बंदे ने उस एविडेंस को तलब कर दिया। जब एविडेंस तलब कर दिया तो कानून उसके ऊपर हरकत में आता है, 201 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, जिसकी 7 साल सजा है, जिसका बेसिक पर्पज़ ये है कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी किस्म की कोई एविडेंस जो कि केस से रिलेटेड हो उसको डिस्ट्रॉय ना करे। जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस आती है वहाँ पर कानून हरकत में आता है, वो 201 का मुर्तकब हो चुका हुआ है वो थानेदार, फिर यहाँ तक उसने नहीं किया। फिर उसके अंदर मेडिकल हुआ, मेडिकल अंदर डॉक्टर साहब की बड़ी क्लियर कट ओपिनियन थी कि इसके साथ रेप हुआ है और इसको टॉर्चर किया गया है। अब टॉर्चर को भी उसने इग्नोर कर दिया, इंजरीज को भी इग्नोर कर दिया, अब उस मेडिकल सर्टिफिकेट को भी, MLR को भी उसने इग्नोर कर दिया, ये दोबारा फिर 201 का मुर्तकब हो गया। फिर उसके बाद एक एविडेंस ऐसी अवेलेबल थी जिस बंदे ने उस खतून को चादर दी, उसका जिस्म डांपा, जब वो पब्लिकली डिफेम हो रही थी, उस बंदे की एविडेंस, मुदस्सर नामी बंदा था, उसकी एविडेंस को भी उस बंदे ने ज़ाया कर दिया। अब एक बंदा अगर गलत काम कर रहा है उसके ऊपर उसका इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज बैठा हुआ है, उसकी ड्यूटी थी कि उसको देखता कि इस बंदे ने गलत किया है, उसकी फौरी तफ्तीश चेंज करके किसी और को देता,
लेकिन वो भी उसके साथ मिला हुआ था, उसने भी वही काम किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन से एग्री किया। फिर यहाँ तक काम नहीं ख़त्म होता, फिर उसके ऊपर बैठा हुआ है डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने कोई अमेंडमेंट किया है कि जनाब जो ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं वो डीएसपी जो ऑपरेशन है वही उसको सारे के सारे मैटर को देखता है, इसका सेल ही लैदा कर दिया जाए ताकि एक बर्डन कम हो और केसेस के अंदर प्योरली मेरिट के अंदर इन्वेस्टिगेट हो। अब डीएसपी साहब ने भी अपने इख्तियार से तजावज करते हुए उसने भी उस पर्चे को एग्री कर दिया। तो अब इसके लिए चूँकि वो बेचारी गई इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने के लिए, जिसका डीएसपी ने मुकदमा ही खारिज कर दिया, अब उसको सीसीपी ऑफिस के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है। ये इतना बड़ा माफिया है कि सारे के सारे मुल्क के अंदर जितने भी हमारे बैरोक्रेट हजरात हैं सारे बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर, सारे इन्हीं लोगों की वजह से चलते हैं। ये वो लोग हैं जो खवातीन को बच्चियों को पहले घरवालियों को गुनाह कबीरा के लिए दावत गुनाह देते हैं, उसके बाद माशरे के अंदर वो खवातीन जिनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई जिनके पास कोई मामला नहीं है, उनको मजबूर करते हैं और फिर अपना धंधा भी चलाते हैं और इनको इस्तेमाल भी करते हैं। और मुझे ये पता चला है कि इस केस के अंदर बहुत बड़े जो पर्दा नशीन लोग थे वो भी इस केस के अंदर आए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपके इस चैनल के तवसत से वो सारे के सारे पर्दा नशीन जो कि बाहर बैठ के सारे मैटर को कर रहे हैं वो भी सामने आएँ और वो बताएं कि हम इस इस्लामी मुल्क के अंदर रह रहे हैं कि ये हम यूरोप को भी पीछे जो ना वो छोड़ गए हैं। ये इतना मामला तो यूरोप के अंदर भी नहीं होता, वहाँ पे भी ख्वातीन का कोई प्रोटेक्शन है, कोई उनके राइट्स हैं। तो जब तक हम इनको राइट्स ख्वातीन को नहीं देंगे, मैं समझता हूँ हम अच्छा माशरा नहीं बना सकते। हिटलर का ये कहना था कि मुझे आप अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छे मार दूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि ख्वातीन वह सहारा हैं किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी मुल्क की किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी मुल्क को हाई जेनेटरी क्लास में लेके जाने के लिए उनको माशरती तौर पर तहफ़ दे के उनको इस कादर काबल बना दो कि उनसे आम अच्छी जींस अच्छा माशरा जो ना वो ले सकें। तो अब हम लगे हुए हैं जी, मेरी पूरी टीम लगी हुई है इस केस को पूरा का पूरा हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हम मुजरमान को कैफरे करदार तक नहीं पहुँचाएँगे हम सुकून के साथ नहीं बैठेंगे। जी बहुत शुक्रिया।